मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि कुछ कोर्सेज हैं जो आर्ट्स वाले बच्चे ले सकते हैं, जबकि सारी यूनिवर्सिटियों ने आर्ट्स के बच्चे लेने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं, और अगर आपके पास बायोलॉजी है और मेडिकल का कोई सब्जेक्ट, मतलब बायोलॉजी जैसे है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर साइकोलॉजी रखी है तो भी बेटर है, वो भी नहीं रखा तो आर्ट्स के अच्छे सब्जेक्ट्स हों। ये नहीं कि आपने पेंटिंग रख ली, पंजाबी रख ली, या कोई हिंदी रख ली, कोई भी लैंग्वेज रख ली, वो नहीं है। आपके आर्ट्स के 4 अच्छे सब्जेक्ट्स होने चाहिए और आपके मार्क्स 65% होने चाहिए, आयल्स आपका 6.5, नॉट लेस देन 6 हो, तो हम आपको सोशल केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ऐसे वाले कोर्सेज दे सकते हैं जिनमें कि आपको जॉब्स चांसेस बहुत अच्छे हैं और मतलब आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी जिसमें आ जाती हैं। देखो, आप ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंजीनियरिंग और हेल्थ का हमेशा ही अच्छा रहेगा, तभी मैंने सोशल केयर और अर्ली चाइल्डहुड बोला है, क्योंकि हेल्थ की तो इनको बहुत ज़रूरत है। नर्सिंग का वो बैचलर इन हेल्थ साइंस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप ये देखो, ये बड़े कॉमन कोर्सेज नहीं हैं, जो रिक्वायरमेंट है और कॉमन नहीं है उनकी हमेशा वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास भी वो कॉमन फाइल्स नहीं आ रही हैं। उसके बाद आईटी के बच्चे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, आपके साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये कोर्सेज हमेशा डिमांड में है। इंजीनियरिंग के रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हो गए, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हमेशा ही डिमांड में रहेंगे। तो इनके जो है जॉब पे स्किल्स भी बहुत अच्छा है। अब हम अगर स्टेट वाइज बात करें तो मैं हमेशा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे बहुत जोर डालती हूँ। उसमें बच्चों के जो आप अगर वेज रेट देखो बहुत अच्छा होता है, जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अच्छा मिलता है। आपको पता है कि इस टाइम जो रूल्स आए हैं तो इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कम कर दिया है, जी जो 3 साल का था उसको 2 साल का कर दिया, जो 4 साल का उसको 3 साल कर दिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो पुराना था उसका कोई कम नहीं किया। सेम अगर 4 साल का मिल रहा था पहले तो वो अभी भी 4 साल का ही मिलेगा, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बींग ए इंडियन हमें ये बेनिफिट मिला है। बाकी कोर्सेज की बात करें, हर बच्चा जा सकता है, लेकिन अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, आपका आयल्स अच्छा है, आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं, इनकम अच्छी है, तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके ग्रे एरिया हैं, ग्रे एरिया में आयल्स कम है, या सब्जेक्ट्स आपके अच्छे नहीं हैं, या पेरेंट्स की इनकम उतनी अच्छी नहीं है, या फंड्स आपके पुराने नहीं हैं, उसका सल्यूशन क्या होता है? अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हम GT 1 वीक में करा के दे रहे हैं, मार्च इनटेक भी है अभी, तो उसके लिए भी डेडलाइन अभी नहीं आई है, जैन में डेडलाइन हो जाएंगी। तो जो बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है वो खाली नॉन मेडिकल के बच्चे ही हम ले रहे हैं, वो बच्चे अभी भी, उनके पास टाइम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। खाली 1 वीक में हम GT करा के दे रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी को 1 ईयर की फीस पे कर सकते हैं, खाली लिविंग एक्सपेंसेस शो करने हैं 16 लाख के अराउंड, जो कि आपके 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, या एजुकेशन लोन के थ्रू आप कर सकते हो। अब आपके जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम 65% 4 सब्जेक्ट्स की मिला के, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इनकी मिला के आपके 65% होनी चाहिए। आयल्स सॉरी, ये यूनिवर्सिटी आपके 60% में भी एक्सेप्ट कर रही है नॉन मेडिकल वाले बच्चों का, आयल्स लेकिन 6.5, नॉट लेस देन 6, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आयल्स थोड़ा हायर साइड पे ही लिया जा रहा है। थैंक यू।